ये ठाकुर जी का नाम चिंताहरण नाम पड़ा, गुरु जी ब्रजमंडल परिक्रमा में दिए हैं। जब कृष्णा ये पास में अभी हम जाएंगे जहाँ पर कृष्णा विराट रूप दिखाया, जहाँ पर कृष्णा ने मिट्टी खाए, मिट्टी खाने पर सखाओं ने जा करके मैया से शिकायत है, क्या बोले मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया बोली अभी तक मक्खन खा रहा था चोरी चोरी करके, अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया। मैया तो सीधा डंडा लेकर के आई और कहाँ पकड़ी, हाथ पैर नहीं सीधा कान को पकड़ी। और मैया बोलती अपवित्र है तू, अपवित्र तुमने मिट्टी खाई। बोले मैया मैंने ना आम भक्षित बान भो, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सखा क्यों बोल रहे, बोले मैया आज कहा भैया तेरे को पता है, बोले क्या है, कहते ये सखाओं के साथ में आज मैं कुश्ती लड़ रहा था, कुश्ती लड़ते लड़ते सबको मैंने परास्त कर दी, कोई मेरे साथ में जीत नहीं पाई। जब जीत नहीं पाए इन लोगों ने इकट्ठे होकर के विचार किया कृष्ण को मार खिलाना, ये सबके सब प्लानिंग करके मेरे नाम पर शिकायतें की। और कभी कभी सूरदास जी कहते बोले मैया आज कहा भैया तेरे को पतो है, बोले कहा भैया, बोले ये सखा लोग ना अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई सब चोरी चोरी करके लाते हैं, मैया तेरे को पतो है मैं चोरी का चीज कभी खाता ही नहीं। बोले मेरे को अच्छे तरह से बता तू क्या करता नहीं करता। और इन लोगों ने मैंने जब इनको पता चला तो जा करके चुगली कर देगा, अरे मैं चुगली करने से पहले ये हमारे नाम पर चुगली कर दिया, तू तो इनकी बात सुनती मेरी बात तो सुनती नहीं, इसलिए ये सब ऐसे एकत्रित होकर किए हैं। कृष्ण ने कहा अगर मैंने मिट्टी खाई तो मुंह से खाई, बोले हाँ कृष्ण सोचा अगर मैं बोल दूं मैंने मिट्टी खाया मुंह से खाया देख ले हो सकता मैया मान जाएगी, लेकिन मैया थोड़ी मानने वाली थी, मैया तो एक धमकी लगाई, बोले मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। इतने में कृष्ण तो डर से उन्होंने मुंह खोल दिया, और मुंह खोल दिया तो कृष्ण को मुंह के अंदर में सारे विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने देख लिया, मैया खुद को खुद भी देख रही थी। इतने में मैया तो देखा मैं क्या अलाई बुलाई क्या देख रही हूँ, मैया तो आंखों को बंद कर दी। जब बंद कर दी इतने में कृष्ण भी डर गए, बोले क्यों, मैया को ये लगा हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान के मुंह में विश्व ब्रह्मांड है, मेरे लाला तो भगवान नहीं। कृष्ण डर गए, बोले क्यों डर गए, बोले अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ क्या करेगा, जैसे सालग्राम के लिए छोटी सी मंदिर बनाए और थोड़ी सी बातासा तो मिठाई भोग लगा करके तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें बोल करके फिर बंद कर देती, मेरे को भी बंद कर देगी, फिर मेरा लीला के लगे से होगा। इतने में जोग माने सब लीला को अंतर ध्यान कर दी। जब अंतर ध्यान कर दी अभी मैया को चिंता लग गई, कहते इनका नाम चिंताहरण क्यों पड़ा, मैया को चिंता लग गई, अरे हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं, हाँ मेरे लाला तो भगवान नहीं, और पता नहीं मेरे लाला के ऊपर कभी पुतना आ जाए, कभी सकटा सूर कभी त्रिणा बरतो, पता नहीं बिना कारण के कारण ये राक्षस लोग मेरे लाला को पीछे सब हाथ धोकर बढ़ गए, इसलिए कहते ये मेरी चिंता दूर हो जाए। ये समस्त नर्मद लीला है ना, उनको पता नहीं शंकर उनका सेवक है, हैं, इसलिए उन्होंने यही पर आकर के जो चिंता हरण जो शंकर जी को पूजा करती थी, मेरे सारे चिंता दूर हो जाए, मेरे लाला को ऊपर जो तरह तरह का बाधा विपत्ति आ रही हैं ये सारे बाधा विपत्ति दूर हो जाए, इसलिए मैया यहाँ आकर के ये शंकर जी की पूजा करती थी, हमारी सारे चिंता दूर हो जाए। हम भी शंकर जी से प्रार्थना करेंगे, हमारे भी बड़ी बड़ी चिंता है, क्या चिंता हमारी अंदर में, ठाकुर जी कब मिली यही एक चिंता होनी चाहिए, और कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ठाकुर जी हमें नहीं मिलते हैं ना जितने सारे समस्या है, अगर ठाकुर जी की भक्ति मिली जाए तो सारी चिंता हमारी दूर हो जाएगी। यही प्रार्थना करो श्री चिंताहरण शंकर जी से। बोले श्री चिंताहरण महादेव की।